महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं विशेष पूजा अर्चना के लिए, जिससे भारत को जगत गुरु बनाया जा सके, जिससे भारत को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया जा सके, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुँच चुके हैं गर्भगृह में। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। महाकालेश्वर की महिमा अनंत है। भोलेनाथ शिव शंकर महाकाल के दर्शन करने पहुँचे हैं, अभ्यर्थना पूजा अर्चना आराधना और वंदना करने पहुँचे हैं राष्ट्रनायक जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र की ओर से इस संध्या काल के शुभ मुहूर्त में, आज बहुत ही पवित्र दिन, ये इस वक्त जो समय का चयन किया गया है, काल का चयन किया गया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कृष्ण पक्ष कार्तिक मास द्वितीया की तिथि, द्वितीया की तिथि जैसा कि आप जानते हैं भगवान श्री महाकालेश्वर के कपाल पर जो विद्यमान चंद्रमा है वो भी द्वितीया का ही चंद्रमा है, और इसीलिए इसको बहुत ही शुभ बहुत ही पवित्र माना जाता है। नमस्कारा निमर्तयामि ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मां पार्वती नमः पार्थिव स्वामी जत्रमानः संपदन्ति कुमारा विशिदारिव तन्न इन्द्रो गणपते रतिते सर्व चतुर्विश्वाहा सर्व चतुर् कार्तिकेश्वराय नमः सेनापते नमः नमस्कारा निम्ब नंदी गंगा ध्यान कर लीजिए माशो शिरानुग्रह बल भीम गदाधर जो भरसन गणेश सतगो सेना अजय सातविंद्र विकेश्वराय नमः संगाय सह परिवाराय नमः सायुधाय सह शक्तिकाय नमः ध्यानम अक्षतानिम अर्पयामि भगवान महाकालेश्वर ध्यानम ओम 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 स्वाहा ओम भूर्भुवः सिद्ध पुष्पमाला अर्पयामि
यानि सभापानि धर्मान्तरगतानि तानि तानि विरचन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे आवाहनं नगानामि नगानामि तवार्थनं पूजां च वदनानामि क्षमतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं सहस्त्वं यक्षस्य रूपाय जगाधराय विराटहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। सायंकाले शिवं दृष्ट्वा निशे पाप विनश्यते आजन्म कृतमाद्यान्ने छायान्ने सप्त जन्मने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान महाकाल के दरबार में पहुँचे हैं राष्ट्र निर्माण के संकल्पना को साकार करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए, जगतगुरु भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए, और साथ ही साथ जो विकसित भारत का सपना उन्होंने देखा है उसको धरातल पर वास्तविकता में परिणति देने के लिए, संकल्प से सिद्धि के लिए आए हैं। ये हमारी ही संस्कृति है अजय, जो कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। राष्ट्र निर्माण के संकल्पना के साथ और विश्व कल्याण की कामना के साथ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में हैं और इस संकल्प को सिद्धि में पूर्ण करने के लिए इस समय साधनारत हैं। जो ये दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ब्रह्मांड का एक अकेला ऐसा शिवलिंग जिसका आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, जो दक्षिणाभिमुख है, यानी जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि दक्षिण की जो दिशा होती है वो यम की होती है, यमराज की होती है। लेकिन जो यम को भी जीत ले, जो काल को भी जीत ले, वही है महाकालेश्वर भगवान आशुतोष। और इस महान शिवलिंग के ठीक ऊपर श्रीयंत्र स्थापित है, जो इस वक्त दृश्य में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। वहाँ से बाईं ओर भगवान श्री गणपति विद्यमान हैं, दाईं ओर त्रिशूल के पीछे भगवान कार्तिकेय विद्यमान हैं, और ठीक बीच में माँ पार्वती। पूरा का पूरा जो शिव परिवार इस अद्भुत दक्षिणाभिमुखी ब्रह्मांड के इस अनोखे शिवलिंग में विद्यमान। और इस मंदिर के निर्माण की समय सीमा तो शायद हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की जो समय सीमा है उस तक अभी तक कोई भी पहुंच पाने में समर्थ नहीं हुआ है। और ये जो ध्यान की स्थिति है जिसमें षडक्षर मंत्र या फिर पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान किया जाता है, वो बहुत ही अद्भुत मंत्र जिसमें हर अक्षर कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ शक्ति लेकर के आता है। और अब उसी षडक्षर मंत्र को एक एक शब्द के अर्थों के अनुसार षडक्षर मंत्र की जो उच्चारण विधि है
उसको कहने का मैं प्रयास करता हूँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवाः नमन्त्यप्सरसां गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शांतं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्यः वासुकिः कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितौ देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं यपठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। और इस ध्यान की मुद्रा में सबसे जो संकल्पना है सनातन संस्कृति की वो विश्व कल्याण की है, सत्यम शिवम सुंदरम की है। और ओम नमः शिवाय का महाजाप, ये पंचाक्षर जो है इसका जाप करने से न केवल प्राणी मात्र को ज्ञान श्री सिद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है बल्कि उसके संकल्प की भी सिद्धि होती है। समूचे राष्ट्र की ओर से विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए, विश्व कल्याण की कामना को चरितार्थ करने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत समुन्नत भारत और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं महाकाल के दरबार में। जो पंचाक्षर हैं ओम नमः शिवाय, इनके अलग अलग शब्दों के अलग अलग अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मय मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदा सूर्या दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाद वृषध्वजाय तस्मय शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरवलोचनाय तस्मय वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मय यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षर मिदं पुण्यं या पठेच्छिव सन्निधो शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को साकार करने की संकल्प और सिद्धि है वो और मजबूत होती है और दृढ़ होती है जब हम अपने राष्ट्रनायक को देखते हैं कि प्राण प्रण से राष्ट्र निर्माण में अहर्निश अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए स्वयं प्रस्तुत हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मपरायण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये धर्मपरायण स्वरूप जो कि समूचे विश्व को सनातन संस्कृति भारत भारतीयता के रूप में स्थापित करता है, जो भारत भारतीयता के परिभाषा को पूरे विश्व के सामने रखता है
और वो परिभाषा है, हमारी ही संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। अजय, भगवान श्री महाकालेश्वर जो काल की सीमा से परे हैं, काल, समय, घड़ी, ये सब कुछ चक्रों में चलता है, चाहे वो दिन का चक्र हो, मास का चक्र हो, वर्ष का चक्र हो, जीवन का चक्र हो या फिर सृष्टि का चक्र। यही चक्र अनंतता का प्रतीक भी है और भगवान श्री महाकालेश्वर इस अनंत के भी पार अपने अस्तित्व को संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि पर सृजन के माध्यम से, पालन के माध्यम से, संहार के माध्यम से लगातार कर्म करते हुए ये बताते रहते हैं कि ये जो काल और स्थिति जो कि किसी के भी अस्तित्व का आधार है, इसी की भौतिकता के सीमा के परे चले जाना ही काल का महाकाल बन जाना होता है। और इसी दर्शन के जो पीछे का जो दर्शन है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान मुद्रा में इस वक्त ध्यानस्थ भगवान श्री महाकालेश्वर के प्रांगण में, और कहा जाता है कि भगवान शिव योगियों को ही प्राप्त होते हैं और योगी जन उन्हें ध्यान से ही प्राप्त कर पाते हैं। जीवन की इस चक्रीय गति में ही सृष्टि की संरचना या सृष्टि का रहस्य समाहित है और इसी चक्रीय गति से मुक्ति पाने का जो उपाय है वो भगवान श्री महाकालेश्वर के चरणों में, उनकी शरणागति में हो सकता है। ये जो दृश्य है वो सिर्फ संस्कृति नहीं है, सिर्फ संस्कार नहीं है, वो परम विज्ञान है, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर स्वयं विज्ञान के देव हैं, संपूर्ण कलाओं के देव हैं। और आपने देखा कि किस तरह से पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है, संध्या के समय में भगवान श्री महाकालेश्वर का जलाभिषेक नहीं किया जाता और इस परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संक्षिप्त पूजन अर्चन कर देश और राष्ट्र की ओर से संपूर्ण विश्व के कल्याण और समुद्भव की प्रार्थना की और इस राष्ट्र को उन्नति और समुद्भव के मार्ग पर जाने की प्रार्थना वंदना भगवान श्री महाकालेश्वर से। अद्भुत दृश्य, और निश्चित तौर से यह अप्रतिम दृश्य माँ भारती का भाल, माँ भारती का ललाट गर्व से और उन्नत हो जाता है जब भारत और भारतीयता की धर्मध्वजा पूरे विश्व में लहराती है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो भगवान शिव के दरबार में आकर, महाकाल के दरबार में आकर, जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के और ज़्यादा दृढ़ विश्वास होता है। इस समय रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है प्रधानमंत्री जननायक राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अगर देखें तो भगवान शिव वास्तव में विलक्षण देव हैं, शिव सत हैं, शिव शाश्वत हैं, शिव आदि हैं, शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, शिव अंत हैं, शिव आदियोगी हैं, शिव महायोगी हैं, शिव मुक्तिदाता हैं, शिव मोक्षदाता हैं, शिव नाथों के नाथ हैं भगवान भोलेनाथ, और कालों के काल हैं भगवान महाकाल। और भगवान महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गर्भगृह से प्रस्थान कर रहे हैं। और आज उस सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के एक और प्रकाश स्तंभ का भी लोकार्पण करेंगे, भगवान महाकाल के महालोक का विश्वार्पण होगा, आज लोकार्पण होगा। यह भी सनातन संस्कृति के लक्ष्य से और विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्तिबोध और भारत के नए स्वरूप को परिलक्षित करेगा। इस समय परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान शंकर के वाहन नंदी के बगल इस समय ध्यान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से जो हमारी संकल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुग्भाग् भवेत्, ये प्रार्थना, ये अभ्यर्थना, ये आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भगवान श्री नंदीश्वर को स्वयं धर्म का स्वरूप माना जाता है, अपनी मान्यता को, अपनी कामनाओं को भगवान श्री नंदीश्वर के कान में कहने की जो प्रथा है वो अत्यंत प्राचीन है। भगवान शिव से कुछ कहना होता है तो भगवान श्री नंदीश्वर का आश्रय लेकर के भक्त उनके कानों में अपनी मनोकामना को कहते हैं और वही ध्यान, वही कामना
वही स्तुति इस वक्त साक्षात धर्म के स्वरूप नंदीश्वर भगवान के समीप बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए, और अनोखा दृश्य देखिए कि भगवान नंदीश्वर कितना अद्भुत भाग्य है उनका कि वो सदा भगवान शिव के सम्मुख ही रहते हैं। और इस स्वयंभू शिवलिंग की एक अद्भुत महत्ता एक और भी है कि जब भगवान सूर्य की किरणें उज्जैन में पहली बार आती हैं तो वो इसी शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। भगवान सूर्य की किरणें जब अस्ताचल की तरफ जाती हैं तो स्वयं इस शिवलिंग का अभिषेक करती हुई जाती हैं।